नमस्ते सबको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं हूँ संगीता। आज का यह वीडियो मैंने हिंदी में किया है। मैंने पहले वाले वीडियो क्लिप्स ब्लैक एंड व्हाइट में रखा हुआ है, आगे का जो वीडियो क्लिप मिलेगा आपको वो कलर पे मिल जाएगा। आज की ये लुक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। ये लुक खेले हम जी जान से मूवी में सूर्य सेन का जो चट्टग्रह मस्त्रगाल लुंठन है उसी मूवी में शहीद प्रीतिलता वातेदार की जो किरदार निभाई थी विशाखा सेन, उसी के लुक मैं आज रिक्रिएट करूँगी। ये लुक बिल्कुल ही साधारण सी नेचुरल सी लुक है। अगर मूवी अभी तक नहीं देखी हो तो जल्दी से ये मूवी देख लो, बहुत अच्छी मूवी है। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल बटन को भी क्लिक कर लो, आगे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले ये प्लम ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र से अपनी स्किन को अच्छी से अपनी मॉइस्चराइज़र कर लूँगी। फिर ब्लू हेवन का प्राइमर अपनी फेस पे यूज़ करूँगी अच्छे से। उसके बाद पैक का आईब्रो किट से अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी। पहले अपने ब्रोज को नीचे की तरफ ब्रश कर लूँगी और ब्लैक कलर से अपने ब्रोज को फिल करना स्टार्ट करूँगी। तब की लड़कियों की आईब्रोज बहुत ही नेचुरल होती थी क्योंकि तब पार्लर वैसे नहीं होते थे। उसके बाद ओलिविया की पैन स्टिक इजिप्शियन डार्क से अपने ब्रोज को प्रोमिनेंट कर लूँगी। मेरी हिंदी अगर अच्छा नहीं है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वही पैन स्टिक से अपनी आई लिड को भी अपनी फिल कर लूँगी अपने आई मेकअप के लिए। फिर ब्यूटी क्रिएशन वॉल्यूम 1 के पैलेट से हल्के ये ब्राउन कलर लेके अपनी क्रीज पे अप्लाई कर लूँगी। फिर सेम पैलेट से ऑरेंज और डार्क ब्राउन कलर एक साथ मिक्स करके अपनी आई लिड पे अच्छे से अप्लाई करूँगी एक बड़े से ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। फिर ये एकदम हल्का वाला कलर जो पैराडाइज नाम से है उसको अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर लूँगी। फिर जेल लाइनर से अपने लैश लाइन पे एक थीन लाइन ड्रॉ करूँगी। आज भी कोई फॉल्स लैश मैं अपनी आँखों पे यूज़ नहीं करूँगी। फिर एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश पे ब्लैक आई शेडो लेके लाइनर को स्मज कर लूँगी ताकि इसके एक सॉफ्ट आई लुक भी आए और नेचुरल भी लगे। फिर उसी पैलेट से लाइट ब्राउन कलर लेके ब्लैक शेडो के ऊपर हल्के से मिक्स कर लूँगी। आज मैं एले कलर्स का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये शेड है कैफ़े। ये कलर एक्चुअली मेरे स्किन कलर से थोड़ा डार्क है, बहुत ही कम यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे आज नेचुरल लुक ही चाहिए। फिर NY Bay का कॉफ़ी प्रिट्जल कंसीलर से अपने फेस को कंसील कर लूँगी।
अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होता है। फिर लैक्मे का लूज पाउडर लेके पूरा फेस का मेकअप जो है वो सेट कर लूंगी। वेट एंड वाइल्ड के कॉन्टोर पैलेट से अपने फेस को, अपने फॉरहेड को, अपने नोज को अच्छे से कॉन्टोर कर लूंगी। फिर लिप बाम अप्लाई करूंगी अपने लिप्स पे। जेल लाइनर को अपने वाटर लाइन पे भी यूज करूंगी। तब की लड़कियां काजल जरूर पहनती थी। एक फ्लैट एंगुलर ब्रश से ब्लैक आई शेडो लेके अपनी लोअर लैश को अच्छे से ड्रॉ कर लूंगी। आप शेडो के अलावा आप जेल लाइनर भी यूज कर सकते हो। फिर आईलैश को कर्ल कर लूँगी। एक पीच कलर का ब्लश अप्लाई करूँगी। फिर उसी पैराडाइज शेड को अपने आई इनर कॉर्नर पे भी यूज़ करूँगी उसको हाईलाइट करने के लिए। नोज़ को थोड़ा सा पाउडर कॉन्टोर कर लूँगी। फिर प्लम ग्रीन टी मिस्ट से अपनी पूरी फेस की मेकअप को फिक्स कर लूँगी। आज मैं मेबेलिन का न्यूड नॉयंस शेड को एज अ लिपस्टिक यूज़ करूँगी। ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है। लिपस्टिक को थोड़ी सी मैट लुक देने के लिए उसके ऊपर मैं लूज पाउडर अप्लाई करूंगी। बालों को दो चोटियां बांधनी है और थोड़ा सा लूज छोड़ना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। छोटी सी काली बिंदी को थोड़ी सी ऊपर की तरफ यूज़ करना है और हो गया आज का लुक। आज मैंने साड़ी बंगाली स्टाइल में पहनी है, क्योंकि ये मूवी भी बंगाल का ही था। ये स्टोरी मास्टर दा के ऊपर था और ये किरदार निभाया था अभिषेक बच्चन जी ने, और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे मूवी। और अगर आप अभी तक नहीं देखे हो प्लीज़ देख लो, यूट्यूब में है, टाइम होगा तो ज़रूर देखना, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छी मूवी है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बोलना कि आज का लुक कैसा लगा, और अगर आप ये लुक रिक्रिएट करोगे तो ज़रूर मुझे अपनी मेरे सोशल अकाउंट में टैग करना मत भूलना। सारे सोशल अकाउंट एंड लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, अगर आप चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो, कमेंट ज़रूर करना। लव यू ऑल एंड इंडिपेंडेंस डे मनाइए, इंडिपेंडेंट रहिए। सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्ते एंड बाय बाय।